अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। आप इन पकौड़ों को हरे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा इमली की खट्टी चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन पकौड़ों को मैंने किस तरह से बनाया है। वेजिटेबल पकौड़ा बनाने के लिए मैंने कुछ बंद गोभी ले ली है, तकरीबन एक कप से ज़्यादा बंद गोभी है। ये बंद गोभी इसमें मैंने लंबाई में काट लिए। एक कप के करीब प्याज डालेंगे, मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे। थोड़ी सी पालक है, एक कप के करीब ये डाल देंगे, और थोड़ी सी ये हरी प्याज डाल देंगे इसमें। एक कप के करीब आलू डाल देंगे, मैंने इनको छोटे पीसेस में कर लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और ये अनारदाना डाल देंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। ये 2 टेबल स्पून इसमें अनारदाना डाल रही हूँ। इसके अलावा नमक डालूँगी 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च डालूँगी 2 टीस्पून, ज़ीरा डालूंगी 2 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून। थोड़ा सा साबुत है इसमें धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया का। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन डाल रही हूँ मैं सर्विस स्पून से, ये भर के मैं 5 डालूँगी, कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। बेसन इसमें कम लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद बेसन ऐड करूँगी। अब उसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल सही बैटर बना है। अब मैं इन पकौड़ों को फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इससे पकौड़े फ्राई करेंगे। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन हो गए, बस इनको टर्न कर लेंगे। सारे पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। बस इनकी ये वाली साइड भी टर्न कर लेंगे, और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। सारे पकौड़े इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ।
पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं और इसमें हर चीज़ का, हर सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अनारदाने का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी रेसिपी है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।